हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। आज का डिस्कशन हमारा इस वीडियो में नीट पेपर को लेकर है, जो रिसेंटली आपका 7 मई संडे को रहा है। होप सभी बच्चों का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा और बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल ने काफी हद तक आपको पेपर क्लियर करने में हेल्प भी की होगी। और इस सब चीजों को देखते हुए चैनल को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो शुड बी स्टार्ट नाउ बॉटनी पोर्शन। इससे पहले जो 2 प्रीवियस वीडियोस हमारी गई हैं, उनमें हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस किया है। और अब रह गया आपका बायोलॉजी, दैट इज द मेन सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट सेक्शन अब आपका है यहाँ पे बॉटनी, सेक्शन ए, सेक्शन ए बॉटनी पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट होता है और 135 तक यहाँ पे आपके क्वेश्चन, मतलब टोटल 35 क्वेश्चन बॉटनी सेक्शन के हमारे यहाँ पे रहने वाले हैं। सो 101, हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपी H2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस किए थे। जब आप +2 क्लास की प्लेलिस्ट निकालते हैं और +1 क्लास की भी जब आप निकालोगे, क्योंकि दोनों का मिक्स पोर्शन आपका यहाँ पे रहेगा, तो जितने इम्पोर्टेंट MCQ, वन वर्ड, फिलिंग दी ब्लैंक्स रिलेटेड क्वेश्चंस थे, आप मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा देखो कि आपके नीट पेपर में आए हुए हैं। पेपर का लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपने ठीक से स्टडी किया है और बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल की जितनी भी हमारी वीडियोस रही हैं +1 +2 से रिलेटेड, अगर वो आपने सीरियसली सभी वीडियोस को देखा है, तो काफी हद तक बेटा आपको पेपर में हेल्प मिली होगी। और भगवान चाहे और मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का जो है नेट पेपर क्लियर हो, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं। ऑप्शन दिए आपको 12 ATP, 12 NADPH2, 18 ATP एंड 12 ATP एंड 16 NADPH2, 18 ATP एंड 16 NADPH2। तो ऑप्शन आपका है यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे, दैट इज 18 ATP एंड 12 NADPH2, रिड्यूस निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एंड दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये मैं बहुत बार बताती थी तुम्हें कि +1 की वीडियो में जो ये चैप्टर है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस, वहां की जितनी भी साइकिल थी वहां से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 102, लार्ज कलरफुल प्रेग्नेंट फ्लावर विद नेक्टर आर सीन इन इंसेक्ट, बर्ड, बैट, विंड पॉलिनेटेड प्लांट। तो सिंपल है, इंसेक्ट जिसे हम एनिमोफिली भी कहते हैं, ये इस टाइप के फ्लावर्स को एनिमोफिलस फ्लावर्स, एंटमोफिली ध्यान दे, एंटमोफिली आपका यहाँ पे है इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट, ये क्वेश्चन भी हमारा डिस्कस किया गया है। और इस टाइप की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं एंटमोफिली। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 103, द फिनोमिनन ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रेफर्स टू, सिंपल, अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। तो प्लियोट्रोपिज्म आप इसको कन्वर्ट करते हैं प्लियोट्रोपी में, तो एक सिंगल जीन जिसके मल्टीपल इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे है थर्ड, दैट इज सिंगल जीन अफेक्टिंग फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे आप कंटिन्यू कर लें, ऑप्शन थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 104, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स टू मैप देयर पोजिशन ऑन क्रोमोसोम वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय TH मॉर्गन, दैट मीन्स थॉमस हंट मॉर्गन, सुटोन एंड बॉबरी, एल्फ्रेड स्टूट वैंट एंड हैंकिंग। तो आंसर जो है आपका यहाँ पे अगेन थर्ड है, जो मैं आपको हर बार बताती हूँ कि थर्ड ऑप्शन मैक्सिमम टाइम ठीक रहता है। तो ये है आपका एल्फ्रेड स्टूट वैंट, स्ट्रूट वैंट, फाइन। नाउ 105 क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, फोर्सेस जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज्ड कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर हाइट। स्टेटमेंट 2, ट्रांसपिरेशन कूल्स लिफ्ट सरफेसेस समटाइम 10 टू 15 डिग्रीज बाय इवेपोरेटिंग कूलिंग। सो वी हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, एंड द आंसर इज दैट इज द वन ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 106, विच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इजी क्वेश्चन है ये, हमने फोटोसिंथेसिस का चैप्टर रहा है आपका चैप्टर 13 और प्लस वन क्लास से लिया गया है, वहां पे हमने फोटोलिसिस भी पढ़ा है। फोटोलिसिस दैट मींस ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो वहां पे हमें क्या पूछा गया है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा यूज होगा। आंसर है मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, कॉपर। आई थिंक जो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जाता है वो है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज द मैग्नीज। ऑलराइट, Mn2 पॉजिटिव। तो ये जो है रिएक्शन में एक कोफैक्टर के जैसे ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 107, द रिएक्शन सेंटर इन पीएस, पीएस मींस फोटोसिस्टम 2 हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट। तो आप देखो बेटा, आपको डिफरेंट वेवलेंथ दी गई है, 680 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, 660 नैनोमीटर, 780 नैनोमीटर। तो यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम 2 में जो रहता है वो है आपका 700, ये तो 700 तो आपका फोटोसिस्टम फर्स्ट में है, और फोटोसिस्टम 2 में जो आपका आंसर जाता है वो है 680 नैनोमीटर। तो अगेन फर्स्ट ऑप्शन दैट इज द 680 नैनोमीटर। Nm क्या है आपका? नैनोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 108, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। जब करेक्ट स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा सा फोकस करने की वहां पे जरूरत पड़ती है। ए, डेट्राइटिवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। यस, होता है। डेट्राइटिवोर्स क्या है? जो डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर को मतलब खत्म कर देते हैं या खा जाते हैं। बी, ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। यस, ये भी हमने पढ़ा है कि ह्यूमिफिकेशन होता है, मिनरलाइजेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन है, ब्लीचिंग है। सी, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सोयल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग। ये भी होता है, ये मैंने अभी आपको बताया कि लीचिंग प्रोसेस भी यहाँ पे लगता है। डी, द डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। नो, यहाँ पे अब थोड़ा डाउट है कि ऐसा नहीं है कि डेट्राइटस में फूड चेन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करेगा। ई, अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इंटू स्मॉलर पार्टिकल बाय ए प्रोसेस कॉल्ड कैटाबोलिज्म। नहीं, ये तो सॉइल पार्टिकल को करता है। तो करेक्ट आंसर जो बेटा आपका रहने वाला है एबीसी, बीसीडी, सीडीई, डीईए। तो जो राइट ऑप्शन आपका जाता है वो है एबीसी ओनली। अगेन फर्स्ट ऑप्शन एबीसी ओनली, ठीक है। बाकी टू स्टेटमेंट जहां हम देते हैं तो वहां पे थोड़ा सा हमें गड़बड़ लगती है, तो जिसकी वजह से ए बी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इजी क्वेश्चन। द थिकनेस ऑफ ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। कितना इजी क्वेश्चन है ये। ये हम 9th क्लास से लगभग ये हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी, 11th में भी आप पढ़ लेते हो इनको। ऐसे टॉपिक तो हमारे इंग्लिश में भी आ जाते हैं। तो ऑप्शन सीधा सीधा सा जा रहा है यहाँ पे, ज्यादा सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। डॉब्सन यूनिट, फाइन। तो डॉब्सन यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है। डेसिबल वो साउंड के लिए होता है, यूनिट। डेकामीटर ये एक डिस्टेंस के लिए हो सकता है, और किलो बेस या बेस पेयर की जब हम बात करते हैं प्यूरिन या पिरिमिडिन की। तो ऑप्शन अगेन यहाँ पे फर्स्ट है, दैट इज द डॉब्सन यूनिट। डॉब्सन यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है। ऑलराइट, तो जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम डीयूबी कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल्स आर पुट इन ए कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस। तो कैलस क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। दिस फिनोमिनन मे बी कॉल्ड एज। तो ये फिनोमिनन आपका क्या कहलाएगा? इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बताया भी हुआ है जो हमारी प्रीवियस प्लस वन प्लस टू की वीडियोस गई हैं। ऑप्शन है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट और सेनिसेंस। तो ऑप्शन जो है बेटा आपका यहाँ पे सेकंड जाता है, दैट इज द डी डिफरेंशिएशन, जिसमें एक लीफ मेसोफिल सेल को जब लिया जाएगा एक कल्चर मीडियम में तो वो एक कैलस बनाता है, दैट मींस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स वो जनरेट करेगा। तो आंसर यहाँ पे है आपका डी डिफरेंशिएशन। ओके, अगेन सो नाउ क्वेश्चन नंबर 111, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज अजर्शन ए, अदर इज लेबल्ड एज अजर्शन, सॉरी रीजन आर। अजर्शन ए, एटीपी इज यूज्ड एट टू स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस, फाइन। रीजन आर, फर्स्ट एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड द सेकंड इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1 6
बाईफॉस्फेट और डाईफॉस्फेट वन एंड द सेम थिंग. इन द लाइट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर. अब हमें करेक्ट आंसर यहाँ पे देखना है वो क्या है. तो देखो क्वेश्चन जो है ये आपका ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हमने डिस्कस किया था. तो आंसर हम देखते हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बी ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए इज ट्रू आर इज फॉल्स ए इज फॉल्स आर इज ट्रू. ओके तो ऑप्शन देखें बेटा आप ध्यान से. फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ठीक लग रहा है क्योंकि दोनों ही बातें ठीक है. एजर्शन और आर दोनों ही ठीक है और जो आर है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे ए मतलब एजर्शन की. तो ऑप्शन जो है आपका 111th क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ए एंड आर ट्रू. ओके तो क्वेश्चन ठीक है सिंपल क्वेश्चन है. तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर है साइकिल क्लियर है. तो देखो बड़ी जल्दी आप मतलब एक ऑप्शन को पढ़ते ही आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये आंसर आपका लॉक कर देना चाहिए. इन द इक्वेशन जीपीपी दैट इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर. अब आर हमसे पूछा गया है यहाँ पर क्या है इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी. तो देखो क्वेश्चन आपका इकोसिस्टम चैप्टर से लिया है प्लस टू क्लास का. तो ऑप्शन देखो पी ए आर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन रेस्पिरेटरी लॉस और रिप्रोडक्टिव एलोकेशन. तो देखो दो तीन ऑप्शन बिल्कुल सीधा सीधा कट होते हैं और ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा. ये जो रेस्पिरेटरी लॉस जब यहाँ पर होगा उसके बाद जितनी एनर्जी रह जाएगी वो है हमारी एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ठीक है क्वेश्चन इजी था बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था. अमंग द एबल क्वाड्रेंट विच वन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज ड्राइविंग एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज. इतनी बार आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने कहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप बायोडाइवर्सिटी की जो हमारी वीडियो है उसमें आप देखें ये क्वेश्चन हमने पूछा है. ठीक है और एग्जाम में भी आता है. तो देखो आपको फोर ऑप्शन दिए हैं. अब इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज कौन सा है. हम यहाँ पर क्या पढ़ते थे बायोडाइवर्सिटी में कि फोर एविल क्वाड्रेट. एविल मतलब जो बिल्कुल ही दुश्मन का काम करने वाला है और क्वाड्रेट मीन्स फोर बेसिक रीजन है. लेकिन सबसे मोस्ट कौन सा है. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. यस बिल्कुल. ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉर इकोनॉमिक गेन. एलियन स्पीशीज इन्वेशन और को एक्सटेंशन. तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका यहाँ पे रहता है वो ही करेक्ट आंसर है. दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. ठीक है ना हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं. क्वेश्चन इजी है देखो लेवल बिल्कुल ओके है. आपके एक थोरो और रेगुलर स्टडीज अगर रहती है ना तो मुश्किल नहीं है बेटा. मतलब नेट को एकदम क्या फाड़ दो क्रैक कर दो बिल्कुल और जल्दी से आ जाओ आप अपनी डॉक्टरी लाइन में. क्वेश्चन नंबर 114 स्प्रिंग और विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन. फाइटो हार्मोन मीन्स एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन की बात की जा रही है. ऑन जुबिनाइल कॉनिफर हेल्प्स इन हास्टिंग द मेच्योरिटी पीरियड दैट लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन. सब ये क्वेश्चन भी इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे. तो देखो इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड दैट इज IBA जिब्रेलिक एसिड GA जियाटिन जो कि एक साइटोकाइनिन का ही पार्ट है एंड एप्साइसिक एसिड. एप्साइसिक एसिड तो बिल्कुल नहीं है ये तो ग्रोथ इनिबिटर का काम करता है. तो आंसर जो है यहाँ पे है आपका सेकंड ऑप्शन दैट इज जिब्रेलिक एसिड दैट मींस जिब्रेलिन्स जो कि फंगस फ्यूजिकोराय जिब्रेला फ्यूजिकोराय से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो जिब्रेलिक एसिड या आप जिब्रेलिन कुछ भी आप बोल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 115 पर हम जाएंगे. Unequivocal proof that DNA is the material, genetic material was first proposed by. बड़ा easy question, direct question आपको बड़ी बड़ी black heading में दिया है book में. अगर आप पढ़ते हैं ना उसको या मतलब actual में जहां मैं teach करती हूँ जो मेरे बच्चे हैं उनको तो ये बात जरूर पता होगी. और वैसे तो आप सभी हो सभी को मैं पढ़ाई रही हूँ. तो आप देखो ना जेनेटिक्स वाली वीडियोस उसमें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ये बताया गया है क्वेश्चन. तो सीधा सा ऑप्शन है साइंटिस्ट का नाम है. तो जब साइंटिस्ट के नाम में है तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है. तो सीधा सा ऑप्शन जाएगा हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट जिसे हम ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं या ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी हमने ये पढ़ा है. तो हर्शे और चेज ठीक है ना. तो एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज यहाँ पे हमने ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट के नाम से किया था. ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी इसको हम कह देते हैं. क्वेश्चन नंबर 116 व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज
थर्ड, मेरा बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैंने बच्चों को एक ट्रिक के साथ याद करवाया था आप लोगों को सभी को, ठीक है। अगर वो ट्रिक आप याद रखते हैं तो अगेन कोई कंफ्यूजन कोई डाउट ही नहीं रह जाता। सो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात की जा रही है, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकेरियोट, सो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, एसएनआरएनए। तो देखो बेटा, मैंने बताया था यहाँ पे, मैं एक बार आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। यहाँ पे हमने कहा था आरएमटी, ओके, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, हमसे थर्ड पूछा है और थर्ड पे हमारा टीआरएनए आ जाता है। तो ये ट्रिक आपके काम करती है, कई बार हम वैसे भूल जाते हैं लेकिन ट्रिक के साथ किया हुआ है ना तो बेटा आप नहीं बोलोगे। तो सेकंड ऑप्शन जो कि यहाँ पे टीआरएनए है, जिसे हम ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं या सोल्युबल आरएनए या अडेप्टर मॉलिक्यूल, किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हो। ये थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा में ही बता रही हूँ ताकि थोड़ा अगर जिनका गलत हुआ है नेक्स्ट टाइम गलत ना करें आप, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 117, अमंग यूकेरियोट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन, सिंपल सी बात है, रेप्लिकेशन पूछे हैं। रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए से डीएनए का बनना, तो दैट मीन्स वो कौन से फेज में होगा? सिंथेसिस फेज में, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था G1 S, G2 M फेज, Gap1 S, Gap2 M माइटोटिक फेज। तो सिंपल आंसर यहाँ पर है आपका सेकंड ऑप्शन, दैट इज द S फेज। S का मतलब यहाँ पे क्या है आपका? सिंथेटिक या सिंथेसिस फेज, कुछ भी आप कह सकते हैं, जिसमें डीएनए से डीएनए बनेगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो देखो अब माइंड लगाओ, यहाँ पे आपको ये भी मैंने ट्रिक के साथ याद करवाया हुआ है, मेटाफेज में इक्विटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं और एनाफेज में दे मूव टुवर्ड द क्रोमोसोम, मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। तो मूव कब करेगा? जब सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाएगा। तो कौन सी स्टेज है? एनाफेज। मियोसिस टू की एनाफेज टू स्टेज में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो थर्ड आंसर यहाँ पे आपका जाएगा, दैट इज एनाफेज टू। ये क्वेश्चन मतलब बड़े फेवरेट से हैं और देखो बेसिक क्वेश्चन है ये, बायो के बेसिक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी का गलत होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 119, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी CBD शॉर्ट फॉर्म है, अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन द ईयर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन अगेन, ईयर की बात हो, साइंटिस्ट की बात हो, तो बिल्कुल पिन पॉइंट आपको, जैसे आप कमेंट को हाईलाइट करते हैं, पिन पॉइंट करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे सीधा सा आ जाओ आप 1992 ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो जो है ये आपका ब्राजील में है, और वर्ल्ड समिट की बात करें 2002 वो आपका हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, ठीक है, वो क्वेश्चन खैर नहीं आए हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 120, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज assertion एंड द रीजन आर, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज, यस बिल्कुल है, एंड आर प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस इन कैप्सूल, यस ये भी है, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। तो ऑप्शन देखो बेटा, ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, अगेन ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो देखो जहां तक जो ऑप्शन है, बिल्कुल आपका फर्स्ट स्टेज गैमेटोफाइट के अंदर प्रोटोनिमा स्टेज है और ये कैप्सूल में ही बिल्डअप होता है, तो जो ऑप्शन जाना चाहिए यहाँ पर आपका फर्स्ट रहेगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, फाइन। तो इजी क्वेश्चन है और बेसिक सा है, ज्यादा डीप में भी नहीं पूछा गया है आपसे। सो क्वेश्चन नंबर 121, इन जीन गन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल, माइक्रो पार्टिकल ऑफ डैश मेटल आर यूज्ड। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, मेरा करवाया हुआ है वीडियोस में, कॉपर जिंक टंगस्टन और गोल्ड एंड द सिल्वर, बिल्कुल देखते ही आंसर पता चलता है, दैट इज टंगस्टन और गोल्ड, ऑप्शन थर्ड है यहाँ पे, टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके क्वेश्चन नंबर 122, सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज, अब देखो सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है, इट इज अ डाइसेक्राइड, नहीं, इट इज अ हेलिकल मॉलिक्यूल, नो, इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल, इट ब्रेक डाउन व्हेन आयोडीन रिएक्ट्स विद इट। तो बिल्कुल देखने में ऑप्शन आपका सीधा सा गया है, थर्ड ऑप्शन, इट डज नॉट कंटेन, इट
does not contain complex helixes. Fine, आगे continue करेंगे. 123 question, what is the function of tessels in the corn cob? तो tessels वाला ये हमने पढ़ा है anemophily में, ठीक है. To attract insect? No. To trap pollen grain? Maybe. To disperse pollen grain? To protect a seed? नहीं, to trap pollen grain. तो हम देखते हैं corn cob में, cob क्या है, जो उसका जैसे आप भुट्टा कहते हो ना या सिरटा बोलते हो, पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है मक्की का, उसमें वो एक स्ट्रक्चर है आपका टेसल, जो पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करने के लिए यूज किया जाता है. तो ऑप्शन सेकंड गए हैं टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स. टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स, देखो आपको क्वालिटी स्टडी की जरूरत है बेटा. हर लाइन ही इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से क्वेश्चन आपके आसानी से बन सकते हैं. तो बस उतना उस हिसाब से अगर आप पढ़े हुए हैं, हर टॉपिक को आपने डीपली स्टडी किया है, तो देखो क्वेश्चन वहीं से उठाएं, कोई और कहीं से कहां और क्या आएगा, यही सिलेबस है, यहीं से सब कुछ आना होता है. क्वेश्चन नंबर 124, एक्साइल प्रेजेंटेशन इज ऑब्जर्व इन. क्वेश्चन ये भी करवाया हुआ है, बल्कि प्लस वन के जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे वहां पे भी क्वेश्चन है आपका ये. तो मस्टर्ड, कुकुम्बर, प्रिमरोज नहीं लगता यहाँ पे, चाइना रोज, बीन्स, ल्यूफिन, टोमेटो, डायंथस, पी, चाइना रोज, पिटूनिया, लेमन. यस, चाइना रोज, पिटूनिया और लेमन में जो है आपका एक्साइल प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है. ऑप्शन नंबर फोर्थ है, चाइना रोज और पिटूनिया लेमन. अगेन ये कंटिन्यू है आपका. क्वेश्चन नंबर 125, इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड द ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक सिक्वेंशियली आर. तो देखो ये क्वेश्चन तो मैं बहुत चिना चिना के तुम्हें इतनी बार कहती हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो इन्होंने हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड सिक्वेंस में आपको बताना है. सिनर्जी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी तो ट्रिप्लॉइड हो गया, जायगोट डिप्लॉइड हो गया, हटाओ इसको भी. एंटीपोडल, सिनर्जी, प्राइमरी एंडोस्पर्म, अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि फिर से गड़बड़ है, क्योंकि सिनर्जी डिप्लॉयड नहीं है, सिनर्जी हैप्लॉयड है, जायगोट डिप्लॉयड है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो ट्रिप्लॉयड है. तो ऑप्शन ये ही ठीक जाता है. और फोर्थ ऑप्शन, सिनर्जी, एंटीपोडल और पॉलर न्यूक्लियाई, अगेन हैप्लॉयड, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड. नो, बिल्कुल सीधा सा आंसर थर्ड यहाँ पे आपका ठीक गया है. सिनर्जी हैप्लॉयड है और उसके बाद जायगोट डिप्लॉयड है और PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो है ट्रिप्लॉयड. Alright, तो आंसर बिल्कुल ठीक था ये आपका और इजी भी था. क्वेश्चन नंबर आपका 126, ESTs, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी डिस्कस्ड, रेफर्स टू, अब ये क्या बता रहा है, ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, नो, देखते हैं अभी, ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन, डोंट नो, ऑल जीन्स वेदर एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड, सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस जीन, नो, बिल्कुल देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है, ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. ये आपको बहुत बार ये भी बताया हुआ था कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनके एक्सपेंडेड फॉर्म भी इंपॉर्टेंट रहती है, दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, ऑलराइट, उन्हें हम कहते हैं ESTs, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. क्वेश्चन नंबर 127, फैमिली फेबिएसी डिफर फ्रॉम सोलेनेसी एंड एग्रिडिएसी विद रिस्पेक्ट टू दी स्टेमन, पिक आउट द करेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू फैमिली फेबिएसी बट नॉट इन सोलेनेसी और लिलिएसी. ये हम प्लस वन में थ्री फैमिलीज डिस्कस करते थे, फेबिएसी, लिलिएसी और सोलेनेसी. तो यहाँ पे पूछा है आपको, स्टेमन बताया है इन्होंने और उस करेक्टरिस्टिक्स पे पूछा है. तो ऑप्शन फर्स्ट है डाई एडल्फस कंडीशन एंड डाई थिकस एंथर. तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे डाई एडल्फस कंडीशन. क्वेश्चन नंबर 128 है आपका, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, अच्छा क्वेश्चन है, अकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन. तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल यहाँ पे बनता है कौन सी स्टेज में, देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि लैक्टोटीन, देन जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, फाइव स्टेजेस मियोसिस वन, प्रोफेज वन में हमने डिस्कस की. तो जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है जहाँ पे मतलब साइनेप्सिस हो जाती है और दोनों के बीच में एक पेयरिंग जब स्टार्ट होगी है, तो वो कौन सी स्टेज में बन रहा है, पैकेटिन स्टेज में, क्योंकि हम देखते हैं हर स्टेज के अपने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स हैं. तो बाकी तीनों स्टेजेस आपकी कैंसिल होती है और सेकेंड जो है वो है पैकेटिन,
पैक इट इन स्टेज. ओके, क्वेश्चन नंबर 129, विच हार्मोन प्रमोट इंटरनोड और पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस. अब देखो आपको ऑप्शन मतलब एग्जांपल दे दिया कि डीप वाटर राइस में जो इंटरनोडल ग्रोथ कर दे, GA3 जिब्रेलिक एसिड है, काइनेटिन मतलब एक साइटोकाइनिन के लिए है, इथाइलिन एंड 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो कि एक ऑक्सिन है. तो ऑप्शन यहाँ पे जो गए हैं वो है इथाइलिन जो है तो एक इनिबेटर लेकिन ये डीप वाटर राइस में जो इंटरनोडल ग्रोथ है उसको इंक्रीज करता है. तो थर्ड ऑप्शन जाएगा आपका दैट इज द इथाइलिन जो कि एक गैशियस हार्मोन भी इसे हम कहते हैं. गैशियस हार्मोन भी है और राइटनिंग हार्मोन भी है. फाइन, जो राइटनिंग में हेल्प करता है. नेक्स्ट आपका आता है 130 क्वेश्चन 130th. अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड ETBR विल शो. किस टाइप के बैंड शो करेगा, ब्राइट रेड कलर, ब्लू कलर, येलो ऑरेंज कलर. तो हमने ये भी डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, ब्राइट ऑरेंज कलर फोर्थ ऑप्शन. ब्राइट ऑरेंज कलर जो है बैंड आपको यहाँ पे नजर आएंगे व्हेन वी यूज ETBR. तो ये इल्यूजन कर देता है और जो डीएनए आएगा उसमें ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड नजर आएंगे. क्वेश्चन नंबर 131, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 एंड डार्क एंड एक्सार आर द टर्म ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी. कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ. स्टेटमेंट 2, एक्सार कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम. ये फिर भी ठीक लग रहा है. अब देखते हैं यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट. तो देखो बेटा एंडार्क और एक्सार्क जाइलम की कंडीशन स्टेम में और रूट में बताता है, ठीक है ना. तो यहाँ पर ऑप्शन जो देखने में मिल रहा है स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, नहीं दोनों फॉल्स है, ये भी नहीं लग रहा. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और सेकेंड फॉल्स है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा. स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट बट सेकेंड इज ट्रू. यस, देखो बिल्कुल सही है क्योंकि फर्स्ट वाला तो एंडार्क और एक्सार कंडीशन सिर्फ प्लांट बॉडी में सेकेंडरी जाइलम के लिए बता रहा है और एक्सार कंडीशन जो है वो बिल्कुल रूट सिस्टम में देखने को मिलता है. तो सीधा सा आंसर आपका 131 जो क्वेश्चन है उसका रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन 4 है बेटा. फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है और जो सेकेंड है आपका वो ट्रू रहेगा, ठीक है. क्वेश्चन ठीक था बिल्कुल, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी इसमें, बाकी फिर भी उन्होंने ज्यादा डीप इस क्वेश्चन को नहीं लिया है. क्वेश्चन नंबर 132, मूवमेंट एंड एक्युमुलेशन ऑफ आयन अक्रॉस ए मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन बाय. सिंपल सी बात है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब ATP, दैट मीन्स एट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. तो पैसिव फैसिलिटेटेड या ऑस्मोसिस जैसे आपके जो है ट्रांसपोर्ट, ये तो बिल्कुल डिफ्यूजन जैसे प्रोसेस है जिनको कोई ATP की जरूरत नहीं है. लेकिन जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तब एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब आपका ये कहलाएगा. और एक्टिव क्यों है, क्योंकि इसको यहाँ पे ATP की जरूरत पड़ रही है. ये क्या कर रहा है, लो से हाई की तरफ ला रहा है, ठीक है ना. तो लो से हाई की तरफ जब आना है तो ATP वहां पे ज्यादा कंज्यूम होता है. क्वेश्चन नंबर 133, ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस फॉर RDNA टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट. तो देखो RDNA है तो किसको प्रेसिपिटेट आउट करेगा, DNA को करेगा. तो ऑप्शन देखो RNA, DNA, हिस्टोन, पॉलीसेक्राइड. तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट है. ओके, अगर आपने वीडियोस प्लस टू की जेनेटिक्स की बहुत अच्छे से देखी है तो क्वेश्चन आपके बिल्कुल यहाँ पे धड़ाधड़ बेटा ठीक जाने चाहिए थे, ठीक है ना. और आपको इन सब चीजों के लिए बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाना था और खुद भी करना था. क्वेश्चन नंबर 134, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है. आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट अमंग द फॉलोइंग. तो जब आपको साइंटिफिक नेम दे दिए जाते हैं तब आप थोड़ा क्या अटक जाते हो क्योंकि आप नॉर्मली सोचते हो जरूरी नहीं है, लेकिन एक आध कोई क्वेश्चन आ ही जाता है. ऑप्शन है लाइकोपोडियम स्लेजिनेला, स्लेजिनेला साल्विनिया, साइलोटम साल्विनिया, इक्विसिटम साल्विनिया. तो ऑप्शन जो है स्लेजिनेला साल्विनिया. ये हेटरोस्पोरस है, टू टाइप के स्पोर ये यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं. तो 134 का सेकेंड ऑप्शन है आपका दैट इज स्लेजिनेला एंड साल्विनिया, स्लेजिनेला एंड साल्विनिया, ठीक है. क्वेश्चन अच्छा है और आगे भी आप इसको तैयार करके रखें. क्वेश्चन नंबर 135, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा
बॉटनी सेक्शन ए का है. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट ए एंड आर. ए असर्शन, रेडवुड हैज फ्यूअर ज़ाइलरी एलिमेंट विद नैरो वेसल. यस. आर कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर. ऑल राइट, करेक्ट स्टेटमेंट. अब देख रहे हैं ए एंड आर आर ट्रू. आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. लग रहे हैं कहीं ये ऑप्शन चांसेस बैठ रहे हैं इसके. ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नहीं, ऐसा तो नहीं है. ए ट्रू आर फॉल्स और वाइस वर्सा. तो ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. ए और आर जो है आपका दोनों ही ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपकी ए की. तो ऑप्शन फर्स्ट है ए एंड आर आर ट्रू. तो इस टाइप के क्वेश्चन का लगभग आंसर आप देख रहे हैं कि यही आ रहा है. तो थोड़ा सा अगेन एक मतलब माइंड में फैक्टर रखा करो, ए एंड आर आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक जाती है. क्वेश्चन नंबर 136. हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ. राइबोसोम कितने प्रोटीन से मिलकर बना होता है. 20, 40, 60, 80. तो ऑप्शन जो गया है बेटा आपका 80 है. 80 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो राइबोसोम्स को बनाते हैं. फर्स्ट ऑप्शन ही है आपका फर्स्ट, दैट इज 80. क्वेश्चन नंबर 137. मैचिंग आपको दी है यहाँ पे. तो मैचिंग में देखते हैं. मैचिंग में तो आप सीधा सा एक फंडा लगाया करो कि एक तो मैचिंग अगर आपकी ठीक आ रही है ना तो ऑटोमेटिकली दूसरी फटाफट मैच होती दिखेंगे. तो कई बार तो सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सा आंसर आपको दिखेगा. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन अगर देखा जाए तो पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ करता है और ग्लाइकोलिसिस ईएमपी पाथवे कहते हैं. एम्बरडर्न मीयरहॉफ पार्नस पाथवे. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. ETCETS माइटोकॉन्ड्रियल चेन भी कह देते हैं. और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल दैट इज TCA साइकिल, जिसे क्रैब साइकिल भी आप कहते हो, वो आपका आता है सिट्रेट सिंथेस. तो ठीक है, ऑप्शन देखने में गया बिल्कुल सही आपका. फोर्थ आंसर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है. ए सेकेंड, बी फोर्थ, सी थर्ड एंड डी फर्स्ट. ठीक है, इजी था क्वेश्चन आपका. आप साथ में जो जो नाम दिए होते हैं उनके कंपैरेटिव या अदर जो नेम है उनको भी लर्न किया करो. क्वेश्चन नंबर 138 है, अगेन मैचिंग वाला क्वेश्चन है आपका. इसमें देखते हैं कोहेशन. देखो कोहेशन होता क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल. और अडेशन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल. तो पहले तो ये टर्म्स क्लियर होगी, ऑप्शन पे जाते हैं. कोहेशन म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल, यस है. देन अडेशन अट्रैक्शन बिटवीन पोलर सर्फेस, मतलब अपोजिट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं. यस. सर्फेस टेंशन, सरफेस टेंशन है क्या, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ये भी हम पढ़ते हैं. और ग्यूटेशन, अब ग्यूटेशन वाटर लॉस इन लिक्विड फेज. ठीक है, हो गई मैचिंग. और देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट आपका करेक्ट है. ए सेकेंड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट एंड डी थर्ड. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 139. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. वन स्टेटमेंट इज गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसे हम कॉम्पिटिटिव रिलीज प्रिंसिपल भी कहते हैं. स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी इलिमिनेटेड इवेंचुअली. यस, बिल्कुल है. अब देखो पहले तो प्रिंसिपल आपको डेफिनेशन सारा क्लियर हो कंसेप्ट. सेकेंड स्टेटमेंट, कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाई कॉम्पिटिशन देन हर्बीवोर. अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो देखते हैं. स्टेटमेंट वन एंड टू ट्रू नहीं, स्टेटमेंट वन एंड टू दोनों फॉल्स ये भी नहीं है. स्टेटमेंट वन करेक्ट है और टू फॉल्स है. ये कहीं ना कहीं ऑप्शन ठीक लग रहा है क्योंकि स्टेटमेंट वन ठीक है. कॉम्पिटिटिव रिलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया हुआ है चैप्टर आपका इकोसिस्टम में. और यहाँ पे हमने पढ़ा भी था कि बेरेंकल स्पीशीज है आपकी, ठीक है. तो उसमें फिर हमने देखा था कि कुछ स्पीशीज गॉट की ज्यादा दे आर मोर बेटर ब्राउजर एज कम्पेयर टू अदर. ओके, तो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकेंड फॉल्स है. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 140. अगेन मैचिंग आ गई है, बड़ा अच्छा है. ठीक है, मैचिंग में तो वैसे देखा जाए तो मैचिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है. एम फेज, एम फेज क्या होता है, माइटोटिक फेज होता है बेटा. और माइटोटिक फेज
इक्वेशनल डिवीजन है वहाँ पे, अगर आपको ये पता था। जी टू फेज जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। क्विसेंट स्टेज इनएक्टिव फेज कहलाता है, साइलेंट फेज भी कहते हैं इसे। जी वन मतलब फर्स्ट ग्रोथ फेज या गैप वन फेज भी कहते हैं, जहाँ पे इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए। यस करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट मैचिंग यहाँ पे गई आपकी। और थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए फोर, बी फर्स्ट है, सी सेकंड है बेटा, और डी आपका थर्ड। ठीक है, 140 क्वेश्चन तक डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर 141, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज पॉल्यूटेड वाटर बॉडी कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग द डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये तो करेक्ट हो गया, हमसे तो नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो जब नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं अगेन स्पेशल फोकस उन पे चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड थोड़ा पॉजिटिवली काम करता है, हमें लगता है नहीं ये ऑप्शन है, नॉट वर्ड देखा नहीं, करेक्ट देख लिया और ऑप्शन, फिर आके लगता है ओह शिट मैम गलत हो गया। ओके ऑप्शन सेकंड, एल्गल ब्लूम कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इंप्रूव वाटर क्वालिटी एंड प्रमोट फिशरीज। बिल्कुल भी नहीं, यूट्रोफिकेशन करता है ये तो सफोकेशन कर देगा, फिश डाई ड्यू टू सफोकेशन और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। वाटर हाइसिन ग्रोज एविडेंटली इन यूट्रोफिक वाटर बॉडीज एंड लीड्स टू एन इम्बेलेंस इन द इकोसिस्टम डायनेमिक्स ऑफ द वाटर बॉडी। करता है ये तो, करेक्ट स्टेटमेंट है। अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिस एडवांस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंक्रीज द ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। बिल्कुल, बायो मैग्निफिकेशन, बायो एम्प्लीफिकेशन भी हम कहते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे जो नॉट करेक्ट में पूछा है वो करेक्ट आंसर है एक्चुअल में तो, ठीक है ना। एल्गल ब्लूम्स वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ये भी मैं बहुत बार बताती थी तुम्हें कि क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 142, ए और आर स्टेटमेंट। ए में आपसे पूछा है, जिम्नोस्पर्म द पॉलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय एयर करंट। यस बिल्कुल। और आर में एयर करंट कैरी द पॉलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया वेयर द मेल गैमेट आर डिस्चार्ज एंड पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड। ये कुछ फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे लगा है, कुछ गड़बड़ है। ऑप्शन देखने में यहाँ पे बेटा ए करेक्ट जाता है लेकिन आर यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन आप करेक्ट कीजिए यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन बेटा कि ए तो ट्रू है लेकिन आर यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर केमी ऑस्मोसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमने पढ़ी है ये, तो ये क्या क्या कहता है, मेम्ब्रेन प्रोटोन पंप प्रोटोन ग्रेडियंट एटीपी सिंथेस। यस सेकंड है मेम्ब्रेन प्रोटोन पंप प्रोटोन ग्रेडियंट एनएटीपी सिंथेस, उसकी जरूरत नहीं है हमें। प्रोटोन पंप इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट एटीपी सिंथेस नहीं, यहाँ पे भी कम हो गया है कुछ चीजें हमारी। प्रोटोन पंप इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट एनएटीपी सिंथेस नो। ऑप्शन फर्स्ट देखिए आप, मेम्ब्रेन भी चाहिए, प्रोटोन पंप भी, प्रोटोन ग्रेडियंट भी और एटीपी सिंथेस। तो फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे लॉक करेंगे आपका, मेम्ब्रेन और प्रोटोन, प्रोटोन पंप मेम्ब्रेन प्रोटोन पंप। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोटोन ग्रेडियंट, प्रोटोन ग्रेडियंट एंड एटीपी सिंथेस। ऑलराइट, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। ओके क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। जान निकली होगी तुम लोगों की पेपर करने में। क्वेश्चन नंबर 144, मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ आर डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दिस स्टेप। तो देखो ऐसे जो मतलब प्रोसेस जिनमें स्टेप्स को फॉलो करना होता है तो उसमें सिक्वेंसिंग, कई बार तो आपको लगता है नहीं 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 ओके है, मतलब ठीक है आपने बिल्कुल उसको बल्क में याद कर लिया, लेकिन जब सिक्वेंसिंग की बात आई तब गड़बड़ हो गई। तो चलो देखते हैं, कोई नहीं। फर्स्ट देखिए बेटा, सबसे पहले क्या है, डीएनए को कट करते हैं हम एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। सेकंड फिर हम क्या करेंगे, उस जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है उसको हम आइसोलेट करते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। फिर हम एम्पलीफाई करेंगे, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा उसको हम एम्पलीफाई मतलब साइकिल्स को रिपीट करते रहते हैं, एंड अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 30 साइकिल अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन टाइम्स डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है। ओके एंड देन
इंसर्शन, अब जो आरडीएनए हमारे पास आया है उसको जिस भी होस्ट सेल में, बैक्टीरिया में या जिस भी होस्ट सेल में हम इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट करते हैं। ये स्टेप हमारा जाता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी का। तो ऐसा अगर हम देखते हैं तो इस हिसाब से तो ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट है, बी सी डी ई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, असर्शन और रीजन है यहाँ पे, अ फ्लावर इज डिफाइंड एज ए मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। यस बिल्कुल, एस ए एम हमने पढ़ा है वहाँ पे, शूट एपिकल मेरिस्टेम। इंटरनोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडिजेस लिटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। ये क्या लग रहा है आपको कि इंटरनोड जो है शूट का वो मतलब कंडेंस होकर डिफरेंट फ्लोरल अपेंडिजेस में कन्वर्ट हो जाता है? यस बिल्कुल होता है, तो ठीक है। अगर इसका मतलब तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और आर भी ठीक लग रहा है आपका, करेक्ट एक्सप्लेनेशन जाता है ए के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है बेटा यहाँ पे आपका ए एंड आर, आर ट्रू। देखो बार बार मतलब क्या कुछ तो क्या कहते हैं कोइंसिडेंस कुछ ऐसा हो रहा है कि हर बार ए आर ट्रू स्टेटमेंट जा रही है, तो ठीक भी जा रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 146 मैचिंग है अगेन, चूज द करेक्ट आंसर। तो देखो बेटा यहाँ पे आयरन क्या काम करेगा, एक्टिवेटर का काम करता है, इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। जिंक जो है आपका सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करता है, अगेन एक कोफैक्टर का काम करता है। देन बोरोन सेल इलोंगेशन और डिफ्रेंशिएशन में, और मॉलिब्डेनम जो है बेटा वो है कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है। तो ऑप्शन आपका थर्ड, 146 क्वेश्चन का थर्ड आंसर है ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ एंड डी सेकंड। ओके क्वेश्चन नंबर 147, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है लेंटिसल्स आर द लेंस शेप्ड ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यस लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं और जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड हार्ड बार्क। नो, बार्क इज अ टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू द ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू वास्कुलर कैम्बियम। नो, ऐसा भी कुछ नहीं है इसमें। देन ऑप्शन डी, बार्क रेफर टू पेरिड्रम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। यस बिल्कुल, फैलोजन इज सिंगल लेयर्ड इन थिकनेस। नो, ये तो मल्टी लेयर्ड है आपका। ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे ए और डी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन है बेटा ए एंड डी ओनली। ओके क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जैसे टॉपिक इंपॉर्टेंट रहे हैं हमारे, है ना, वीडियोस में आपको बार बार बताया है टर्नर डाउन और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीनों सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं अब यहाँ पर क्या है आपका, दिस ऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडोन डाउन। नो, लैंगडोन डाउन ने तो डाउन सिंड्रोम को ही किया था। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड। यस बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था ट्राइसोमी है और XXY जो जीनोटाइप यहाँ पे बिल्ड होता है। देन द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर, नहीं शॉर्ट स्टेचर नहीं है बल्कि थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट भी यहाँ पे दिखती है। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, ऐसा नहीं है, नॉर्मल है मेंटल डेवलपमेंट यहाँ पे। सच इंडिविजुअल आर स्टर है। यस बिल्कुल, तो ऑप्शन देखिए बेटा बी और ई, ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो स्टराइन है इस टाइप के, जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो स्टराइन होते हैं, बी एंड ई ओनली। क्वेश्चन नंबर 149, मेलोनेट इनिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एंजाइम टॉपिक से लिए गए हैं, तो इन्होंने क्या कहा है, ससिनिक डिहाइड्रोजिनेस, अमाइलेज, लाइपेज, डाई नाइट्रोजिनेस। तो ऑप्शन फर्स्ट, यस ससिनिक डिहाइड्रोजिनेस की एक्टिविटी को ये बिल्कुल इनिबिट कर देता है या स्टॉप कर देता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ससिनिक डिहाइड्रोजिनेस, ससिनिक डी हाइड्रोजिनेस। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 150% आपका पार्ट यहाँ तक कंप्लीट होगा बायो का, ठीक है। मैचिंग है अगेन, तो म्यूचुअलिज्म फर्स्ट है हमारा, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में हम क्या देखते हैं, दो पार्टनर हैं, बोथ आर बेनिफिटेड। ओके, कमेंसलिज्म में हम क्या देखते हैं, वन पार्टनर इज बेनिफिटेड,
अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड. अमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म में आपका क्या है, वन पार्टनर इज हार्म एंड अदर इज बेनिफिटेड, अदर इज नाइदर अफेक्टेड. और पैरासिटिज्म में क्या है बेटा आपका, पैरासिटिज्म में है वन पार्टनर इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड. ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन क्लियर होती है तो ऑप्शन क्लियर हो जाता है. तो इस हिसाब से ऑप्शन सेकंड है आपका, ए का फोर्थ है, बी, बी में आपका फर्स्ट है, और सी पार्ट आपका जो है वो है सेकंड पार्ट, और डी में है आपका थर्ड पार्ट. ठीक है, यहां तक हमारा 50% बायोलॉजी पोर्शन कवर होता है. ओके स्टूडेंट, यहां तक 50 क्वेश्चंस थे आपके बॉटनी पोर्शन के, अब रह गया आपका जूलॉजी पोर्शन. ठीक है, तो जूलॉजी को भी इसी तरीके से डिवाइड किया है सेक्शन ए और सेक्शन बी में. क्वेश्चन नंबर 151 है आपके सामने. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडीज इज कम्प्लीटली क्योरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली. तो यहाँ पे आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हेल्थ चैप्टर में देखेंगे या रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी था, तो वहां भी क्या है जो कम्प्लीटली क्योरेबल है, जेनाइटल हर्पेस, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी इन्फेक्शन. तो देखें यहाँ पे गोनोरिया जो डिजीज है, गोनोरिया, ठीक है, जो निसीरिया गोनोरी नाम के पैथोजन से होता है, वो कम्प्लीटली क्योरेबल है अगर उसका हमें पहले पता चल जाए और उसको ठीक तरीके से डिटेक्ट किया जाए. तो ऑप्शन सेकंड है आपका गोनोरिया, गोनोरिया जो निसीरिया गोनोरी नाम के पैथोजन से होता है, निसीरिया गोनोरी. ऑलराइट, पैथोजन भी आप याद रखा करो. 152, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. फर्स्ट है आपका, इन नॉन प्राइमेट मैमल साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ऑस्ट्रस साइकिल. यस बिल्कुल, हीट साइकिल भी कहते हैं इसे. फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड कॉल्ड मेनोपॉज, बिल्कुल भी नहीं, दैट इज नोन एज मेनार्च. लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. यस बिल्कुल, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है तो प्रेगनेंसी है. साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्च एंड मेनोपॉज. यस ये भी है, मेनार्च और मेनोपॉज में हम साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन भी देखते हैं. तो ऑप्शन ए, सी और डी स्टेटमेंट ठीक है, बी वाली बिल्कुल गलत है. तो ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज इस ऑप्शन में आप ना हो, आप बिल्कुल इत्मीनान से ऐसे क्वेश्चन पढ़ें, और जो बिल्कुल लगता है ना कि दूर दूर तक भी कोई लिंक है उसको तो एकदम साइड में हटा दिया गया, तो आप करेक्ट ऑप्शन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं. अगेन मैचिंग, ओके वेरी इजी. वासेक्टोमी सर्जिकल मेथड, दैट इज अ परमानेंट मेथड, और जिसमें जो वासेक मतलब वास डिफरेंस है उसको कट कर दिया जाता है मेल बॉडी के अंदर. क्वाइटस इंटरप्टस, ये तो एक टाइप का नेचुरल मेथड है. और सर्वाइकल कैप्स, ये क्या है सर्वाइकल कैप्स, सर्वाइकल कैप तो बैरियर मेथड का काम करते हैं, हमने पढ़ा है प्लस टू में, बैरियर मेथड है वहां पे, या बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस में भी पढ़ा था. एंड सहेरी, दैट इज दी ओरल मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जो CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में डिस्कवर हुई थी. तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल डायरेक्ट बताए हुए हैं वीडियोस में, आप प्लीज सारी प्लस टू की जो प्लेलिस्ट है या प्लस वन की है उनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे. तो 153 क्वेश्चन ईजी है, यहाँ पे आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए थे. बी है आपका फोर्थ, सी है सेकंड और डी है फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 154 आपकी स्क्रीन पर, टू स्टेटमेंट्स हैं ए एंड आर. ए, अमीनोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. रीजन, बैन ऑन अमीनोसिंथेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मेनार्च ऑफ ए मेल फेटिसाइट. यस ये तो है. तो देखिए ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. जो ए गया है अमीनो जो सेंटेसिस है सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, ये एक स्ट्रेटेजीज है, ये तो मतलब एक टेक्निक ही बैन हो गई है. तो देखो ए तो बेटा फाल्स हो गया, और लेकिन आर जो ट्रू है, क्योंकि ये फीमेल फेटिसाइट जैसे जो कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम अपराध है उनको रोकने में मदद करता है, ठीक है ना, तो उसको ये चेक करता है. तो ऑप्शन फोर्थ जाएगा, ए फॉल्स है यहाँ पे और आर रीजन जो है वो ट्रू करेक्ट है. ठीक है, 155 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, अगेन नॉट वर्ड आ गया है, कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. तो
देखो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको बताना है, फाइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, पेरोक्सिस्म। तो जो नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, देन क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिस्म, ये दोनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट कंसीडर नहीं किए जाते। तो ऑप्शन सेकंड है बेटा, ए सी एंड ई ऑन। तो यहां तक 155 तक क्वेश्चन आपके डिस्कस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, बीसी के लिए पूछा है, तो वो किसका सम है आपका, उसमें हम देखते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और टीवी दैट मींस टाइडल वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 156 का ऑप्शन फोर्थ है आपका, आईआरबी प्लस ईआरबी एंड अगेन टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 मैचिंग है आपकी, यहाँ पे हमने देखा था लेग ओपेन में 3 स्ट्रक्चरल जीन है जेड वाई ए जो अलग अलग एंजाइम को एनकोड करते हैं। तो फर्स्ट जैसे है जीन ए, जीन ए क्या करता है, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को एनकोड करेगा। देन जीन वाई परमीएस जो परमिबिलिटी को इंक्रीज करता है। जीन आई रिप्रेसर प्रोटीन है एंड जीन जेड जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम को एनकोड करता है और ये लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में ब्रेक डाउन भी करता है। तो ऑप्शन 157 का सेकंड ऑप्शन है बेटा, ए सेकंड, बी थर्ड, सी फोर्थ एंड डी फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 158, अगेन मैचिंग क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे आपको कुछ एंडोक्राइन पोर्शन डाइजेस्टिव सिस्टम में बताए थे, सीसीके गॉल सिस्टोकाइनिन, जीआईपी गैस्ट्रो इनिबिटरी पेप्टाइड है, एएनएफ एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म क्लियर हो तो आप इनके आराम से जो इनके जो भी ऑर्गन से ये रिलीज होगा वो बता पाएंगे। तो सीसीके कहाँ से रिलीज होगा, पेनक्रिया से। देन जीआईपी गैस्ट्रोवर्ड है, गैस्ट्रो इनिबिटरी पेप्टाइड है तो सिंपल सी बात है गैस्ट्रिक ग्लैंड है। एएनएफ एट्रियल नेट्रिक यूरेटिक एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर है आपका जो कि हर्ट वॉल से रिलीज होता है और एडीएच किडनी से होगा। ऑप्शन फर्स्ट रहेगा 158, ऑप्शन वन है आपका, ए फोर्थ, बी थर्ड, सी सेकेंड एंड डी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 159 अगेन मैचिंग, इंटरैक्टिंग स्पीशीज है एंड नेम ऑफ द इंटरैक्शन। तो ये भी पॉपुलेशन इंटरैक्शंस में हमने डिफरेंट काइंड के इंटरैक्शंस को पढ़ा हुआ है तो हम आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दिए हैं, आपको मैचिंग करनी है। अगर ये भी लगता है आपको कि जिस एग्जांपल की मैचिंग आपको सबसे पहले आती है आप उसको मैच करो, जो रह जाएंगे वो दूसरों से मैच हो जाती है। तो जैसे आपको लगा कि कुकू, कुकू वाला बहुत बार बताया जाता है, ये मैंने वीडियो में भी बताया था, ब्रूड पैरासिटिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है आपका। लेपर्ड एंड लॉयन, तो ऑब्वियसली लॉयन और लेपर्ड में तो हमें कॉम्पिटिशन इंटरेक्शन ही दिखता है। फंगस एंड रूट ऑफ ए हायर प्लांट इन माइकोराइजा, इस टाइप के जो एसोसिएशन होती है वो म्यूचुअलिज्म है जिसमें, क्योंकि माइकोराइजा है क्या बेटा, फंगस और रूट का एसोसिएशन है जिसमें दो पार्टनर है, दोनों इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। देन कैटल एरगेट एंड द कैटल इन ए फीड, तो वो क्या होगा आपका, ऑप्शन कमेंसलिज्म जिसमें एक को तो क्या मिल रहा है, मतलब खाना मिल रहा है, बेनिफिट हो रहा है, दूसरा नाइदर अफेक्टेड नोर हार्म। तो ऑप्शन फर्स्ट, बिल्कुल सीधे सीधे इसके ऑप्शन आपको दिए हैं, ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड एंड डी फोर्थ। ये तो सीधा सा आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 160 पर, स्टेटमेंट वन, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन ए टेम्परेरली इनएक्टिव स्टेट वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट। स्टेटमेंट टू है, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इन द लाइट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट दोनों स्टेटमेंट आपकी जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन अगेन वन यहाँ पर है, बोथ ए
एंड ट्रू स्टेटमेंट, दे आर ट्रू. क्वेश्चन नंबर 161, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. ग्रुप और सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एग्जिबिटिंग अडेप्टिव रेडिएशन. तो ये हमने इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, है ना. तो ऑप्शन इसका आपका सेकंड है, निम्बेड, स्पॉटेड कसकस एंड फ्लाइंग फैलेंजर. 161 ऑप्शन टू निम्बेड, और आगे आप कंटिन्यू करोगे. 162 मैचिंग. मैचिंग अब आपको जैसे मैंने बताई दिया, जो भी आपको सबसे पहले आंसर दिख रहा है और आप श्योर हैं उस पर जाएंगे. तो पेप्टिक सेल क्या है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज करता है जो SCL की हेल्प से एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट होता है. देन गॉबलेट सेल म्यूकस रिलीज करते हैं, और जेंटिक सेल SCL और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है जो कि विटामिन B12 मतलब साइनोकोबाल्मिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा. और हिपेटिक सेल, हिपेटिक मींस लीवर, तो लीवर क्या रिलीज करता है, बाइल जूस. तो वो भी मैचिंग यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बेटा. ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ एंड डी सेकंड. क्वेश्चन नंबर 163 स्क्रीन पर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट. तो यहाँ पे कौन सी टेक्निक अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर पाती है. RDNA, सीरम एंड यूरिन, PCR एंड ELISA. तो आप देखिए बाकी लगभग जो टेस्टी जो टेक्निक्स हैं वो श्योरली कर सकती हैं. हमसे नॉट वर्ड पूछा है तो सीरम और यूरिन एनालिसिस से हम श्योर नहीं है कि एकदम आप पर्टिकुलर एक डिजीज बोल दो कि ये है, ठीक है. तो लेकिन बाकी टेक्निक जो है वो आपका एक श्योर टेस्ट होती है. तो टू ऑप्शन, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस. क्वेश्चन नंबर 164 आपके सामने मैचिंग है. फोविया आयरस ब्लाइंड स्पॉट्स क्लेरा, आई के ये पार्ट है. आई जैसे टॉपिक आपके 8th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, फिर 10th में भी पढ़ाया आपने और प्लस वन में भी, और फिजिक्स में भी आ जाता है ये वाला टॉपिक. तो फर्स्ट है फोविया. फोविया होता क्या है, जहाँ पे एक्चुअल रेजोल्यूशन आप कर सकते हैं, तो वो पॉइंट जहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियरिटी के साथ कोई भी चीज दिखाई देती है. आयरस ये तो विजिबल पार्ट है हमारी आईज का, और मतलब रेगुलेट करता है प्यूपिल का जो डायमीटर है, मतलब टू अलाउ द एंट्री ऑफ लाइट. ब्लाइंड स्पॉट क्या है, जहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होना है. एंड द स्क्लेरा इज द वाइट पार्ट ऑफ द आई, तो एक टाइप का ये कनेक्टिव टिश्यू है. ऑप्शन फर्स्ट रहेगा आपका यहाँ पे ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ एंड डी सेकंड. क्वेश्चन नंबर 165, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन ए सेल. साइटोस्केलेटन मतलब जो सेल का स्केलेटन है, तो उसका बेसिक फंक्शन यहाँ पे क्या है. न्यूक्लियर डिवीजन, नो. प्रोटीन सिंथेसिस, वो भी नहीं है. मोटिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन, तो ये मोटिलिटी में हेल्प करेगा. तो एक स्केलेटन है मतलब जैसे हमारा स्केलेटन है, जैसे हम आसानी से मूव कर पाते हैं, ऐसे सेल भी आसानी से मूव कर सकता है. तो ऑप्शन थर्ड है आपका, दैट इज मोटिलिटी. क्वेश्चन नंबर 166, ब्रॉड पाम विद स्किन पाम क्रीज इज विजिबल इन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम. सीधा सा आपका सिम्टम जाता है डाउन सिंड्रोम का, डिस्कवर्ड बाय लैंगडोन डाउन. तो दूसरे ऑप्शन पे तो जाओ ही मत, ठीक है ना. तो 166 में बेटा ऑप्शन वन है आपका, दैट इज द डाउन सिंड्रोम. तो वहां पे हम प्रोट्रूडिंग टंग देखते हैं, परमानेंटली ओपन माउथ, और टंग थोड़ा सा बाहर की तरफ है, ठीक है ना. प्रोजेक्टिंग टंग है, ब्रॉड फेस, जो फोरहेड वो भी थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है. आईज थोड़ी बड़ी बल्जिंग है, नोज चपटी है, फ्लैट है, ठीक है. तो इस टाइप के सिम्टम मतलब देखने में ही थोड़ा सा एक मेंटली रिटार्डेड एक लुक उस विक्टिम का रह सकता है. क्वेश्चन नंबर 167, स्टेटमेंट 1, इन प्रोकैरियोट पॉजिटिवली चार्ज्ड डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन इन ए रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड. नहीं, ऐसा नहीं है. वहां तो हम क्या देखते हैं कि डीएनए जो है किसके साथ कंबाइन है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है. स्टेटमेंट 2, इन यूकैरियोट द नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम. यस, करेक्ट है ये स्टेटमेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट बेटा करेक्ट नहीं है आपकी.
वहाँ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन ए रीजन का न्यूक्लियोइड, वहाँ पे NAP है आपका न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ये भी ऑप्शन इस टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। ऑप्शन 4 है यहाँ पे, स्टेटमेंट 1 जो है वो है इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 जो है बेटा वो है आपकी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 168 आपका रहेगा, मैचिंग है। मैचिंग क्या है आपका, जो ड्रग एडिक्शन ड्रग एब्यूज जैसे टॉपिक थे वहां से ये टॉपिक रिलेट करता है। हीरोइन, हीरोइन क्या करता है, हीरोइन बॉडी फंक्शन को स्लो कर देता है, ठीक है ना, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है हमारे उसको अफेक्ट करता है। मैरिजुआना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। कोकेन, कोकेन क्या करता है, इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन जो कि एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। और मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या करता है, एक पेन किलर का काम करता है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे फर्स्ट रहेगा, ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ एंड डी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 169, गिवन टू स्टेटमेंट्स आर देयर, वन लिगामेंट आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, स्टेटमेंट 2 कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है, जैसे स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, नहीं है, दोनों करेक्ट नहीं है यहाँ पे। 1 एंड 2 आर फॉल्स, यस, 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ये भी नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट तो फॉल्स ही है हमारा। और दोबारा से दे दिया, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे फॉल्स गई है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, बोथ 1 एंड 2 आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 170, इन विच ब्लड कॉर्पस्कल HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजीनी वायरस। तो HIV एड्स रिलेटेड आपका ये टॉपिक है। तो एड्स में क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो जो हमारे हेल्पर टी सेल्स हैं उनको ये खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वो बॉडी को हेल्प नहीं कर पाते और इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन चली जाती है। तो ऑप्शन जैसे इओसिनोफिल, बेसोफिल, बी लिम्फोसाइट, टी एच सेल आपके क्या है, हेल्पर टी सेल्स को ये यहाँ पे अफेक्ट करेगा। TH दैट मीन्स हेल्पर टी सेल को अफेक्ट करता है, जिससे बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल नील हो जाती है और सिंपल हल्का इन्फेक्शन आने पे भी जो है तबीयत बिल्कुल डाउन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 171, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर ESPs इज मोस्ट वाइडली यूज इन थर्मल पावर प्लांट, होता है यूज। इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव आयनाइजिंग रेडिएशंस, नो बिल्कुल भी नहीं। तो स्टेटमेंट यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट है, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है और सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 172, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, वास डिफरेंस रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज द इजेक्युलेटरी डक्ट, यस। वास डिफरेंस आपने देखा था, एक कॉइल ट्यूब है और ये इजेक्युलेटरी डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा में ओपन होता है, तो ये स्पर्म्स को कैरी भी करता है। कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, जिसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं, अलोंग विच विद वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, यस, बर्थ कैनाल भी उसको कहा जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक जा रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन वेट, ऑप्शन ये क्या कह रहा है यहाँ पे, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है देखो बेटा इनकरेक्ट है। वास डिफरेंस एक कॉइल ट्यूब है जो स्पर्म्स को कैरी करता है और एक इजेक्युलेटरी डक्ट, ये इन्होंने कहा है कि यूरेथ्रा में ओपन होता है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट रहेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन 4 है, फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट आपका ट्रू है या करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 173, मैचिंग है। जॉइंट्स आपको दिए हैं, डिफरेंट जॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं प्लस वन क्लास में, तो यहाँ पे जस्ट आपको बताना है कौन सा जॉइंट कहाँ प्रेजेंट है। कार्टिलाजिनस जॉइंट तो ये प्रेजेंट होता है वर्टिब्री में, वर्टिब्रल कॉलम 33 हमने देखा है वर्टिब्री है जो आगे एडल्ट में 26 रह जाती है। बाल एंड सॉकेट जॉइंट, बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो प्रेजेंट होता है वो तो ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल का हमने पढ़ा था। ह्यूमरस मतलब ये वाला पार्ट है आपका और पेक्टोरल जो हिप रीजन, यस, पेक्टोरल शोल्डर गर्डल की ही ये बात करता है। तो बाल एंड सॉकेट जॉइंट वहाँ पे है। फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट जो हमारी स्कल बोन्स में जो जॉइंट है जो कि इमोवेबल जॉइंट्स है वहाँ प्रेजेंट है। और सैडल जॉइंट,
सैडल ज्वाइंट प्रेजेंट होता है कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो जो ये कार्पल मतलब कलाई और मेटाकार्पल जो पाम है, यहाँ में जो ज्वाइंट है वो आपका सैडल ज्वाइंट है। तो ऑप्शन सेकंड है आपका ए टू, बी फोर्थ, सी फर्स्ट एंड डी थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 174 अगेन मैचिंग है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डिजीज दिए हैं और उनके पैथोजन दिए हैं। तो मान लिया आपको एक दो पैथोजन याद है, एक दो आप भूल गए हो, याद नहीं है, अटक गए हो, तो पहले जो आपको लर्न है उनकी मैचिंग करो। जैसे देखो मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आते हैं, ये एक मैच हो गया। निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, फाइलेरिसिस विचेरिया बैनक्रॉप्टाई एंड द रिंगवॉर्म ट्राइकोफाइटोन। इजी, वेरी इजी क्वेश्चन, चाहे साइंटिफिक नेम है लेकिन क्वेश्चन ये मुश्किल नहीं है। 174 का फर्स्ट ऑप्शन ए टू, बी थर्ड, सी फोर्थ एंड डी वन। क्वेश्चन नंबर 175। Assertion: नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप, कॉर्टिकल एंड जेस्टा मेडुलरी, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स में जो है कॉर्टिकल और मेडुला में जो है जस्टा मेडुलरी। जस्टा का मतलब जहां पे ये कॉर्टेक्स और मेडुला आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक जंक्शन की बात की जा रही है। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, वेयर एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैव लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। नो, अपोजिट है, बल्कि ये तो कॉर्टिकल में शॉर्ट है और जस्टा मेडुलरी में लॉन्ग है। तो ए ट्रू और आर फॉल्स। ऑप्शन थर्ड है आपका ए ट्रू आर फॉल्स। यहां तक हमने 175 क्वेश्चन कवर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 176। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, अ प्रोटीन इज इमेजिन एज ए नाइन, लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड सी टर्मिनल एंड द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय लास्ट अमाइनो एसिड एन टर्मिनल। स्टेटमेंट टू, एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ फोर सब यूनिट, टू अल्फा टू बीटा चेन। तो ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हमने हीमोग्लोबिन में स्टडी किया था। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो फॉल्स रहता है आपका। इन्होंने कहा इट इज इमेजिन एज अ लाइन, एक लाइन के जैसे नहीं। यहाँ पे तो हम डिफरेंट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका फॉल्स है, फोर्थ ऑप्शन ठीक रहेगा। फर्स्ट फॉल्स एंड सेकेंड ट्रू। क्वेश्चन नंबर 177। Which of the following statement is correct? Eutrophication refers to increase in domestic sewage and waste water in lakes? No. Biomagnification refers to increase in conservation of the toxicant at successive trophic level. Yes, बिल्कुल। Biomagnification, bioamplification, bioconcentration. जब हम देखते हैं तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो पेस्टिसाइड है जिसको हम PPM में ले रहे हैं, parts per million में, तो वो successive trophic level पे उसका concentration increase होता जाता है। Presence of large amount of nutrient in water restrict algal bloom? No, बल्कि ये तो promote करता है। Algal bloom decrease fish mortality? No, algal bloom तो क्या करता है, mortality क्या है, death rate। तो इसने क्या बोला है कि death rate को कम करता है? No, ये तो death rate ज्यादा करवाता है। तो साफ सा है यहाँ पे option second आपका बिल्कुल correct option है, that is biomagnification। Question number 178 है हमारा। रेडियल सिमेट्री इज नॉट आ गया, नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। तो रेडियल सिमेट्री किसके अंदर नहीं है? नीटोफोरा, हेमिकॉडेटा, सिलेंट्रेटा, एकाइनोडर्मेटा। तो एकाइनोडर्मेटा जो है, जिसे आप स्पाइनी स्किन्ड एनिमल, जिसमें स्टारफिश जैसे एनिमल्स कंसिडर किए जाते हैं, उनमें एडल्ट में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो एकाइनोडर्मेटा और तो ऑप्शन जो गए हैं बेटा वो है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो है उनमें एडल्ट में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन सेकंड दैट इज हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा एकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि स्टारफिश है, उनमें हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। 179 क्वेश्चन आपका। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, आरएनए म्यूटेट्स एट ए फास्टर रेट। Two, virus having RNA genome and shorter lifespan mutate and evolve faster. Yes, बिल्कुल। लेकिन RNA जो है वो fast rate से mutate नहीं करेगा, बल्कि DNA जल्दी mutate करता है। तो एक stability वहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से DNA जल्दी
उसमें म्यूटेशन देखी जाती है, आरएनए में फास्ट रेट से म्यूटेशन नहीं होती। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स एंड सेकेंड ट्रू। क्वेश्चन नंबर 180, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन रिलेटिव इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। तो मेटिंग की बात करते हैं, यहाँ पे हमने देखा था जैसे कि बॉक्स में और एक सर्कल में मेल फीमेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इन्होंने सिंपल मेटिंग के लिए पूछा है। और अदर जैसे ब्लैक पार्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो डेथ के लिए भी हो सकता है, ठीक है, तो वो नहीं, हमें हमसे सिंपल मेटिंग के लिए पूछा है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका, ये जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 181, गिविंग बिलो आर टू स्टेटमेंट। Assertion, endometrium is necessary for implantation of blastocyst, बिल्कुल। Endometrium lining सबसे innermost lining है uterus के अंदर, जहाँ पे implantation होता है 7th day। Reason, in the absence of fertilization, corpus luteum degenerate, and that causes a disintegration of endometrium। Degenerate होता है, लेकिन ये एक explanation नहीं गया है कि endometrium के लिए ये जरूरी होगा। तो option second आपका A and R are true, fine, but R is not correct explanation. 182 question number. Once the undigested and unabsorbed substance enter the cecum, their backflow is prevented by. तो देखो, cecum किसका part है? Large intestine का ही एक part रहता है ये। तो वहां पे हम क्या देखते हैं, एक वॉल्व है जिसे इलियोसिकल वॉल्व कहा जाता है, दैट अलाउ द वेस्ट टू एंटर और सॉरी टू एग्जिट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन एंड पास इट इनटू द रेक्टम फॉर टेम्परेरी स्टोरेज। तो यहाँ पे बैक फ्लो को मतलब जो कौन प्रिवेंट करेगा वॉल्व, वो इलियोसिकल वॉल्व है, बाकी वॉल्व आपके अदर साइड पे प्रेजेंट है। ऑप्शन सेकेंड है इलियोसिकल वॉल्व। Now, 183 matching, अब यहाँ पे आपको साइंटिफिक नेम दिए हैं और इनमें जो इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन या जो भी ऑर्गन इनमें प्रेजेंट है वो पूछा है। तो टीनिया, फ्लेम सेल्स, पैरामीशियम में आपका क्या प्रेजेंट है, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, पेरीप्लेनेटा अमेरिकियाना जो कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है, यूरिकोज ग्लैंड और फेरेटिमा पोस्टहुमा अर्थवर्म के अंदर, नेफ्रिडिया एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन का काम करता है। तो थर्ड ऑप्शन, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड, देन बी, सेकेंड, सी, फोर्थ एंड डी। वन, क्वेश्चन नंबर 184, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर आपने पढ़े हैं BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, PBR322। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताया करती थी और आपको वीडियो में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्लाज्मिड वॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज और प्रॉप। तो प्रॉप जो है वो एक क्लोनिंग वेक्टर का काम नहीं करता, प्रॉप। क्वेश्चन नंबर 185 मैचिंग है, यहाँ पे आपसे एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब ECG जो है उसके डिफरेंट वेज बताई हैं और उनका नाम पूछा है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका रहा है उस टाइम में भी। तो देखो, पी वेव क्या करता है, डीपोलराइजेशन करता है एट्रिया की, और क्यू वेव बिगनिंग करता है सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रेक्शन को बिगिन करेगा, देन QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल्स को डीपोलराइज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एकदम, और अगेन टी वेव क्या कर रहा है आपका, रीपोलराइजेशन। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका ए थर्ड पार्ट, बी फर्स्ट, सी फोर्थ एंड डी सेकंड। यहां तक हमारा जूलॉजी का सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 185 तक डिस्कस हो गया। सो सेक्शन बी जूलॉजी पार्ट है आपका, 15 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। तो थोड़ा सा धीरज बना के रखना है क्योंकि आप देख रहे हैं क्वेश्चन ज्यादा है तो एक्सप्लेनेशन भी है बेटा, ताकि फुल मतलब सॉल्यूशन आपको मिले या जो आगे प्लस टू अपीयर करे उनको भी हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर 186 पर जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, ये कंट्रोल नहीं करेगा, ये पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम ये भी इसको नहीं करना,
और सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। तो नॉट पूछा है ना, नॉट थायराइड हार्मोन जो नहीं करेगा, तो सी और डी को ये नहीं करेगा। ऑप्शन थर्ड आपका सी एंड डी ओनली। क्वेश्चन नंबर 187, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेटर, देन ADH facilitate water resorption of to prevent diuresis, yes. ANF causes vasodilation करता है, natriuretic factor है जो वासो blood vessels को dilate करता है। ADH anti-diuretic hormone cause increase in blood pressure, yes. ADH is responsible for decrease in GFR glomerular filtration rate, no. B, C, D second option, B, C, D only. क्वेश्चन नंबर 188, इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, ये क्वेश्चन देखो अभी आपका मैचिंग में आया था, तो थोड़ा सा अगर आप कहीं बार डील कर लें, थोड़ा देख लें, पीछे भी कोई क्वेश्चन आया था तो थोड़ी आपको वैसे भी हेल्प मिल जाती है। तो कॉकरोच में एक्सक्रीशन किससे हमने पढ़ा था अभी, यूरिकोज ग्लैंड है, बिल्कुल है, नेफ्रोसाइट्स भी हैं इनमें, और फैट बॉडी भी है जो इनके एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। फैलिक ग्लैंड, कोलेट्रल ग्लैंड इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर आते हैं। तो बी सी डी ऑप्शन थर्ड है आपका, बी सी डी ओनली। क्वेश्चन नंबर 189, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर आर, तो ये कौन से सिस्टम है जो इनको कंट्रोल करेंगे। तो ह्यूमन ब्रेन में हमने 3 पार्ट पढ़े हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, तो जहाँ से मतलब सेक्सुअल बिहेवियर, एक्साइटमेंट, फियर, इमोशन, आपके लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, तो दैट इज लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। फर्स्ट ऑप्शन लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 190, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, बेसोफिल आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल WBC, बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन, बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, बेसोफिल हैव किडनी शेप न्यूक्लियस, बेसोफिल्स आर ए ग्रैनुलोसाइट। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट करेक्ट है बेसोफिल को देखते हुए वो आपका ऑप्शन बी और सी, दे सीक्रेट हिस्टामिन एंड इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, तो थर्ड रहेगा बी एंड सी ऑन। सो यहाँ तक अगेन 190 क्वेश्चंस तक हमारे डिस्कस हुए। क्वेश्चन नंबर 191 जेनेटिक्स है आपकी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन कॉरेस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड इफ द सीक्वेंस ऑफ mRNA फॉर्म्ड इज एज फॉलोस। तो आपको एक सीक्वेंस दिया गया है और इसमें आपको कोडिंग स्ट्रैंड में सीक्वेंस दिखाना है, ठीक है ना। तो कोडिंग स्ट्रैंड मतलब इफ द सीक्वेंस ऑन mRNA पे ये सीक्वेंस है तो कोडिंग स्ट्रैंड में क्या सीक्वेंस रहा होगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे हम जो थायमिन है वो यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है, तो इसका मतलब टी ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है 5-ATCG वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 192, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल्स क्या है, मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड वेसिकल, सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज ए स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, यस बिल्कुल। स्टाइरेटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, यस ये भी प्रेजेंट है। एमलाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कॉल्ड सार्कोमियर। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो है आपका बी एंड सी, दैट इज सेकेंड पार्ट, बी एंड सी ओनली। 193, द यूनिक मेमेरियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, तो यूनिक देखो क्या है, हेयर है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड मेमोरी ग्लैंड्स, नो, हेयर पिना मेमोरी ग्लैंड, हेयर पिना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, पिना मोनोकोंडाइलिक स्कल मेमोरी ग्लैंड, मोनोकोंडाइलिक नहीं है, डाइकोंडाइलिक स्कल प्रेजेंट होता है, एग्जैक्टली 2 हाफ होते हैं, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे ठीक रहेगा, हेयर पिना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तो तब होगी जब ईयर और ये आउटर पार्ट पिना होगा, सेकंड ऑप्शन हेयर्स एंड पिना एंड मेमोरी ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 194 है आपके सामने, मैचिंग है, तो डिफरेंट आपको ब्लड कॉर्पस्कल्स यहाँ पे दिख रही है, मास्ट सेल है, तो मास्ट सेल क्या काम करता है,
एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है जो सपोर्ट करता है बॉडी को. इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियल, वहाँ पे जो है सीलिएटेड एपिथीलियम प्रेजेंट होती है. ब्लड, ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है. और ट्यूबेरियल पार्ट्स जो है नेफ्रॉन में, वहाँ पे क्रोबॉइडियल एपिथीलियम प्रेजेंट होता है. तो ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर रहेगा, ए सेकंड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ एंड डी थर्ड. क्वेश्चन नंबर 195, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉर्डेट. तो कॉर्डेट्स जो है जिनमें नोटोकोर्ड मतलब प्रेजेंट, एक वर्टिब्रल कॉलम है. तो करेक्ट आंसर, प्रेजेंस ऑफ ए मिड डोर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड, नो ये नहीं होता. प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल. प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, यस ये भी प्रेजेंट है. प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हर्ट, डोर्सल हर्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा. ट्रिप्लोब्लास्टिक सीरोसिरोमेट एनिमल, मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ये सब प्रेजेंट है और एक सीरोसिरोमेट है, नो. तो ऑप्शन बी एंड सी, सेकेंड ऑप्शन बी एंड सी ओनली. क्वेश्चन नंबर 196, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग. तो नॉट वर्ड पूछा है यहाँ पे. इट डिक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, इट एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर इलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स एंड एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स टेक्स प्लेस ड्यू टू इट. इट डिक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन आफ्टर कॉन्टिन्यूस इनब्रीडिंग. तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे है, नॉट एक एडवांटेज नहीं है. इट डिक्रीजेस होमोजाइगोसिटी. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका, इट डिक्रीजेस होमोजाइगोसिटी. क्वेश्चन नंबर 197, स्टेटमेंट वन, ड्यूरिंग जीनोड फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव. मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं बल्कि मेटाबॉलिकली एक्टिव है, क्योंकि वहां पे डीएनए सिंथेसाइज हो रहे हैं या डिफरेंट प्रोटीन या रॉ मटेरियल्स वहां पे सिंथेसाइज हो रहे हैं. सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज. यस सेंट्रोसोम जो है डुप्लीकेट होता है जब सिंथेटिक फेज होता है. स्टेटमेंट वन तो आपका रॉन्ग है, लेकिन स्टेटमेंट टू आपका करेक्ट है. फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट आपका इनकरेक्ट और सेकेंड जो है वो आपका करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 198 मैचिंग है. यहाँ पे आपको पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व के बारे में बताया है, लॉजिस्टिक एक्सपोनेंशियल. तो अगर यहाँ पे आप लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल में ही समझ लेते हैं कि लॉजिस्टिक में लिमिटेड ग्रोथ है या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके, और एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो ग्रोथ क्या रहने वाली है. पहले तो आप ये ही मैच कर लें. ये मैच हो गया तो बाकी दो ऑप्शन रह गए, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, वो क्या है आपका जिसमें परसेंटेज है प्री रिप्रोडक्टिव एज की हम देखते हैं, और स्टेबल एज पिरामिड मतलब परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल और प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सीधा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका, ए फर्स्ट, बी ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड एंड डी फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 199, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लैक्टोटीन, नो. ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, यस बिल्कुल एग्जैक्टली. टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटीन, नो ये तो डिप्लोटीन स्टेज में रहेगा. न्यूक्लियोलस गॉल्गी कॉम्प्लेक्स ईआर आर रीफॉर्म ड्यूरिंग टेलोफेज, बिल्कुल दोबारा से स्टार्टिंग हो जाती है, फॉर्मेशन रीअपियरिंग स्टार्ट हो जाती है. क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड, नो नॉन, ये तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है. तो ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड बी और डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन. लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 200, लास्ट क्वेश्चन है आपका. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच ड्यूरिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. डार्क ब्राउन बॉडी कलर, एनल्सराइन, नो ये तो मतलब दोनों में ही है, मेल और फीमेल में. प्रेजेंस ऑफ एनल्सराइन, यस ये आपका एक डिस्टिंग्विशन फीचर है बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉकरोच. प्रेजेंस ऑफ स्क्लेराइट दोनों में है. प्रेजेंस ऑफ एनल्सराइन ये भी दोनों में प्रेजेंट है. तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, प्रेजेंस ऑफ एनल्सराइन. ओके एनल्सराइन. सो
थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आपने इतना पेशेंस रखा है। पेपर आपका लेंथी है, लेवल बिल्कुल ओके है, स्टडीज आपकी डीपली और मतलब आपकी लर्निंग, आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो पेपर मतलब मुश्किल नहीं कहलाता है। पेपर मुश्किल नहीं है कंपैरेटिवली, जो आपके प्रीवियस ईयर्स के आपने उठा के भी देखे होंगे क्वेश्चन पेपर, इस साल का जो पेपर रहा है बड़ा नॉर्मल सा है। ठीक है, तो आई होप मैक्सिमम बच्चों का पेपर क्लियर हुआ हो, और अगर क्लियर होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।